हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की इस सीरीज के अंदर आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम में से नीट में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बड़े लुभावने अंदाज में अलग अलग चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स, सीलोम, बॉडी प्लान, मेटामेरिस, नोटोकॉर्ड, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कमिंग सून। ये आ गया, देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा के अंदर होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटलमेंथीज के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एस्केलमेंथीज से लेकर मैमल्स तक सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटलमेंथीज, एस्केलमेंथीज के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बना देखने को मिला किसके अंदर, एनिलीडा के अंदर, और वो भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा से लेकर मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के अंदर देखने को मिलता है क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। देन सिमेट्री की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ दी पोरीफेरेंस आर एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सीलेंटेटा और टीनोफोरा के अंदर। प्लेटलमेंथीज से लेकर मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब के अंदर देखी जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन ये बड़े चतुर और चालाक एनिमल्स हैं एकाइनोडर्मेटा वाले, इनके जो एडल्ट्स होते हैं तो एडल्ट्स के अंदर देखी जाती है रेडियल सिमेट्री, लेकिन इनके जो लार्वल फॉर्म हैं लार्वा के अंदर देखी जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स की। अगर 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं तो एनिमल्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में होती है मीजोग्लिया। पोरीफेरा के अंदर कोई भी प्राइमरी जर्म लेयर्स देखने को नहीं मिलती। सीलेंटेटा और टीनोफोरा होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, लेकिन प्लेटलमेंथीज से लेकर मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके अंदर 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, innermost layer is called endoderm, and in between these two, ectoderm and endoderm, middle layer called mesoderm. Then बॉडी कैविटी और सीलोम, ए सीलोमेट एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटलमेंथीज, ये होते हैं ए सीलोमेट एनिमल्स। स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स हैं कौन से, एस्केलमेंथीज वाले एनिमल्स। इसके बाद में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिलिडा से लेकर मैमल्स तक ऑल आर ट्रूली सीलोमेट एनिमल्स। नाउ बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये देखने को मिलता है पोरीफेरा के अंदर। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि केवल माउथ प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट नहीं होता, ये देखने को मिलता है सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटलमेंथीज के अंदर। एस्केलमेंथीज से लेकर मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर देखने को मिलता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन, बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स सीन इन केस ऑफ एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बॉडी के डॉर्सल साइड में। जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इन्हें कहा जाता है कॉर्डेट्स, और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता इन्हें कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। प्लेटलमेंथीज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सही है, बाइलेटरल सिमेट्री सही है, एनिलीडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, और रेडियल सिमेट्री ये गलत है, इसके अंदर देखा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एसिमेट्रिकल एनिमल्स मोस्ट ऑफ दी पोरीफेरेंस। इसमें देखें केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। देखें ऑप्शन नंबर 4, मैच दी फॉलोइंग कॉलम। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं, सीलेंटेटा, टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये हैं प्लेटलमेंथीज से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए हम लोग पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा को, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अलग अलग लुभावने अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा, तो एनसीईआरटी के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको हम लोगों ने पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा को हम लोग लेके आए हैं चार्ट के फॉर्म में। क्या क्या कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैबिटाट पोरीफेरेंस आर जनरली मैराइन, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी देखे जाते हैं। एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, फ्रेश वाटर भी हैं। कौन से? सिलेंट्रेटा वाले। लेकिन टीनोफोरा वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन कोएनोसाइट्स एंड पोरीफेरा, जबकि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है। एनिमल्स जो होते हैं वो सब में, तीनों में होते हैं हर्मेफ्रोडाइट। देन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में देखने को मिलता है, पोरीफेरा में और सिलेंट्रेटा में, लेकिन टीनोफोरा के अंदर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। पोरीफेरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोलिप फॉर्म जो होती हैं सिलेंट्रेटा में, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, इनके अंदर देखा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है अम्ब्रेला लाइक फॉर्म में, जिन्हें कहा जाता है मेडूसा फॉर्म। Then fertilization, internal and cross fertilization is seen in किसके अंदर? पोरीफेरा। टीनोफोरा के अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिलेंट्रेटा में क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो हम लोगों ने यहां पर ब्लैंक छोड़ रखा है। देन डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सभी के अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेशल फीचर्स पोरीफेरा के, ऑस्टिया, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स जहां से पानी अंदर आता है, कहां पर आता है? स्पॉन्जोसील में, जिसे कहा जाता है, और कैविटी, कौन सी कैविटी? पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और बाहर निकल जाता है इस ऑस्क्यूलम से। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। एग्जाम्पल्स जो हम लोगों को पढ़ने हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। एक और एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा और यह है बोरिंग स्पंज। एक और एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, बोरिंग स्पॉन्ज, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लियोना। देन सिलेंट्रेटा में नीडोसाइट, गैस्ट्रोवेस्ट्रल कैविटी, दो फॉर्म देखे जाते हैं, पोलिप एंड मेडूसा। पोलिप होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, मेडूसा होता है अम्ब्रेला लाइक फॉर्म। मेटाजेनेसिस देखा जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर, मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन केस ऑफ ओबिलिया। कौन से एग्जांपल पढ़ने हैं? फाइसिलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, सी एनिमोन, पेनिनटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन एंड मेंड्रेना, ब्रेन कोरल। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है कुछ एनिमल्स के ऊपर और इन्हें कहा जाता है ब्रेन कोरल्स। 8 सिलीरी कॉम्प्लेट्स इन टीनोफोरा, इसका स्पेशल फीचर है, इन्हें और कहा जाता है सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज एंड सी गूसबेरीज। इनमें देखी जाती है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। एग्जांपल इसका है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच करें इसको। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसिलिया, सी एनिमोन एडमसिया, सी पेन पेनेंट्यूला, सी फैन गॉर्गोनिया। सीधे सीधे मैच हो रहे हैं, ब्रेन कोरल, मेंड्रेना। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टेटमेंट्स आर नॉट कॉमन टू दीज एनिमल्स? साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये तीनों पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं। ऑल आर मैराइन एनिमल्स, जी नहीं, सभी मैराइन नहीं होते हैं। सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील सही है, कोएनोसाइट सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है और ये डायग्राम है एक टीनोफोरा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गिवन बिलो एनिमल? एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, 8 इंटरनल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जी नहीं, यहां पर इंटरनल रोज नहीं होते, यहां पर होती हैं एक्सटर्नल रोज, यहां पर होती हैं एक्सटर्नल रोज। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सही है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, सी ओनली। आइए अब बात करते हैं हम लोग प्लेटिहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज और एनिलीडा की। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, प्लेटिहेलमिंथीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। जो एस्केलमिंथीज होते हैं फ्री लिविंग हैं, एक्वेटिक हैं, टेरिस्ट्रियल हैं, पैरासिटिक हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ऐसे ही एनलीडा वाले भी एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, प्लेटिहेलमिंथीज को और कहा जाता है क्या? फ्लैट वॉर्म्स, और एस्केलमिंथीज को कहा जाता है राउंड वॉर्म, इन्हें ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया। लोकोमोशन बाय यहां पर नहीं पढ़ना है, ना प्लेटिहेलमिंथीज के अंदर ना एस्केलमिंथीज के अंदर, एनिलीडा के अंदर लोकोमोशन होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से। जो एक्वेटिक एनिलीड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीरीज, यहां पर देखे जाते हैं लेटरल अपेंडेजेस एंड दीज लेटरल अपेंडेजेस आर कॉल्ड पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर, एस्केल्मिन्थीज के अंदर है एक्सक्रीटरी ट्यूब, और नेफ्रीडिया देखा जाता है एनिलीडा के अंदर। नाउ सेक्सेस प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर आर नॉट सेपरेट, एस्केल्मिन्थीज में सेपरेट, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। एनिलीडा में नीरीज डायोशियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। प्लेटिहेल्मिन्थीज एस्केल्मिन्थीज के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एनिलीडा के अंदर एक्सटर्नल, किसी किसी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज के लिए। एस्केल्मिन्थीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहां पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाता है, एनिलीडा के अंदर भी। एग्जाम्पल टीनिया और फैसियोला, किसके अंदर? प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर। एक और एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। Then एस्केल्मिन्थीज में एस्केरिस, वोचरेरिया एंड एनसाइलोस्ट्रोमा। एनलीडा में नीरीज, फेरिटिमा एंड हीरोडिनेरिया, जिसे और कहा जाता है ब्लड सकिंग लीच। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। फर्टिलाइजेशन इज डैश, ये जो ऑर्गेनिज्म आया ये ऑर्गेनिज्म है एक प्लेटिहेल्मिन्थीज का ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इसके अंदर देखा जाता है फ्लेम सेल्स से, और ये जो एनिमल है ये है हर्मेफ्रोडाइट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये थर्ड, ये है इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फाइलम एस्केल्मिन्थीज? सेक्सेस आर सेपरेट, सही है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सही है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये गलत है। यहाँ पर होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर याद करें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एस्केरिस राउंड वॉर्म, वोचरेरिया फाइलेरियल वॉर्म, एनसाइलोस्ट्रोमा हुक वॉर्म। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1। एनिलीड्स में बी एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका। अब एक और तरीका हम लोग देखें, यहां पर लेके आए हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक और हम लोग तरीका लेके आए हैं। यहाँ पर देखें आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और यहाँ पर देखा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एनिमल्स होते हैं ये एनिमल्स होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी, सीलोमेट एनिमल्स, काइटेनेक्स एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पर होता है। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखे जाते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, एंड यहाँ पर देखा जाता है ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर अलग अलग, एंटेना, आइज, स्टेटोसिस यहाँ पर होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर होते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखा जाता है इंटरनल, एनिमल्स होते हैं मोस्टली डायोशियस एनिमल्स, और ये हैं मोस्टली ओविपेरस एनिमल्स। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, एग्जाम्पल केवल एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, केवल आपके सामने एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए हम लोग। बटरफ्लाई और ये है प्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय दीज एनिमल्स शोइंग बिलो? बॉडी इज कवर्ड बाय काइटेनस एक्सोस्केलेटन, सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सही है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सीलोमेट एनिमल्स, ये गलत हैं क्योंकि ये एनिमल्स होते हैं ट्रूली सीलोमेट एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3। देन एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोडा? बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, सही है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, सही है। दे आर मोस्टली विविपेरस, ना जी, ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली ओविपेरस होते हैं, तो ये ही इसमें आंसर होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा? लोकोस्टा आर्थ्रोपोडा है, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा है, कटलफिश आर्थ्रोपोडा नहीं है, क्यूक्यूमेरिया नहीं है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा है, प्रॉन आर्थ्रोपोडा है, पाइला सेल्पा नहीं है आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नाउ अब बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। इनके अंदर देखा जाता है ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, बॉडी के ऊपर कवरिंग होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। मेंटल बड़ा स्पेशल फीचर इनके अंदर देखने को मिलता है। मेंटल कैविटी जिसमें खुलते हैं गिल्स, और ये जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी में जो गिल्स खुलते हैं इनका जो काम है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम होता है। हेड पर किसी किसी के अंदर देखे जाते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ में बड़ा स्पेशल फीचर देखने को मिलता है रेडुला। रेडुला रेडुला आपको याद रखना है, जो होता है रेस्पिंग ऑर्गन, काटने वाला ऑर्गन। यूजुअली डायोशियस, ओवीपेरस, और इसमें देखा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, वही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पाइला, पिंकटाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लीसिया, डेंटेलियम एंड कीटो प्लूरा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल ये क्या है? ये है पाइला। एप्पल स्नेल पाइला। पर्ल ऑयस्टर, कटलफिश, स्क्विड, डेविलफिश, डेविलफिश ये है ऑक्टोपस। सी हेयर एप्लीसिया। अब आपको आंसर मिल चुका है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन इन मोलस्का? मोस्टली डायोशियस, ओवीपेरस, मेनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। करेक्ट आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज, ये सही हैं सारे। ये मोलस्का का डायग्राम एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया गया है। ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज शोन बिलो इन द डायग्राम एक्सेप्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सेगमेंटेड बॉडी नहीं जी, इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2। नाउ बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। एकाइनोडर्मेटा एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, इसलिए नाम दिया गया एकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडी होती है, मैराइन, एक्सक्लूसिव मैराइन, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, बेहद इंपॉर्टेंट। लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ जो होता है लोअर साइड में होता है, एनस जो होता है वो अपर साइड में होता है। बड़ा स्पेशल फीचर है इनका। और ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल इसके वही है जो एनसीईआरटी में है, एस्टीरियाज, एकाइनस, एंटीडॉन, क्यूक्यूमेरिया एंड ओफियूरा, जिसे और कहा जाता है ब्रिटल स्टार। सेलेक्ट दी इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग को ढूंढना है। एस्टीरियाज स्टारफिश सही है, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, ओफियूरा सी क्यूकम्बर ये ही गलत है। ओफियूरा इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, ब्रिटल स्टार, इसका कॉमन नेम है ब्रिटल स्टार। और सी कुकम्बर होलोथूरिया, कुक्यूमेरिया। एक और क्वेश्चन, फाइंड दी नंबर ऑफ स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, यानी कि एकाइनोडर्मेट्स की बात करनी है हम लोगों को इसके अंदर। लोलेगो नहीं, पिंकटाडा नहीं, एस्टीरियाज यस, ऑक्टोपस नहीं, एकाइनस यस, क्यूक्यूमेरिया यस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इनको पहले रखा गया था नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, बाद में रख दिया गया इनको कॉर्डेट्स के अंदर। क्यों रख दिया गया? बिकॉज ऑफ दिस स्टोमोकॉर्ड जो नोटोकॉर्ड की जैसे दिखती है। ये स्मॉल वॉर्म लाइक ग्रुप मैराइन एनिमल्स होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर प्रोबोस्किस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन यहां पर होता है गिल्स से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखना है आपको, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह है प्रोबोस्किस ग्लैंड, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। केवल 2 एनिमल आपको यहां पर याद रखने हैं, एक तो है बेलेनोग्लोसिस और दूसरा है सैकोग्लोसिस। आइए क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हेमीकॉर्डेटा के बारे में। लंबे लंबे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग, क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि जो मेन एग्जाम है नीट का, उसमें भी लंबे लंबे क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, सही है जी। सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, ये भी सही है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, ना ये गलत है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं प्रोबोस्किस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर होता है प्रोबोस्किस ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। Select the feature which is or are present in hemichordates. Stomachord yes, worm like body yes, gills यहाँ पर yes present होते हैं और आंसर इसका है all of these। अब आइए बात करते हैं हम लोग कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स को, फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम के अंदर, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को और कहा जाता है ट्यूनिकेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर हेड से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट दी लाइफ। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस। याद रखना है कि ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस के अंदर यहां पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये है फ्लेम सेल्स। और बेटा ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स, ये यहां पर दिया हुआ नहीं है, एनिमल किंगडम में दिया हुआ नहीं है। इसे हम लोग निकाल के लेके आए हैं कहां से? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से। नाउ अब हम लोग कंपेयर करेंगे पाइसेस से लेकर मैमल्स तक, इनके हैबिटेट के बेसिस पर। देखें ये इनके हैबिटेट के बेसिस पर कौन से फ्रेश वाटर हैं, कौन से मेराइन वाटर, कौन से टेरिस्ट्रियल हैं, ये आपके सामने। कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है पाइसेस। देन बॉडी पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं। बॉडी पार्ट्स जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनकी बॉडी के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब देखें रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स के अंदर तो बॉडी के 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। लेकिन एम्फीबियंस के अंदर बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड ट्रंक। लेकिन एम्फीबियंस के अंदर जो सैलेमेंडर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सैलेमेंडर के बॉडी के 3 पार्ट हैं। सैलेमेंडर की बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल। पाइसेस के बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम लोग बात करते हैं कि किस किस के अंदर गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, किस किस के अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, और किस किस के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन होता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट विदाउट ओपरक्यूलम इन कॉन्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स विथ ओपरक्यूलम। एम्फीबिया के अंदर लंग्स से, स्किन से और गिल्स से, तीनों से रेस्पिरेशन होता है। और रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स के अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। और एव्स के अंदर देखे जाते हैं एयर सैक। नाउ स्किन की हम लोग बात करें कि स्किन कैसी होती है इन ऑर्गेनिजम्स की। कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर मिलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, ऑस्टिकथीज के अंदर साइक्लॉइड, टीनॉइड और गेनॉइड स्केल्स। एम्फीबिया में मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स। रेप्टाइल्स के अंदर ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन कवर्ड विथ स्क्विड्स और स्केल्स। एव्स के अंदर covered with feathers, ये इसका exclusive feature है। Skin is dry without glands except oil glands, इन्हें और कहा जाता है preen glands, which are present at the base of tail। और mammals के अंदर skin is unique in possessing hair। यहाँ पर अलग अलग glands मिलते हैं, जैसे mammary gland है, sweat gland है, sebaceous glands हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करें कि किसके अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट मिलता है और किस टाइप का सर्कुलेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। देख सकते हैं आप लोग 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है पाइसेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल हैं इनमें मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। एव्स के अंदर और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स का नंबर। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है पाइसेस में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स के अंदर मिलता है ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन, जबकि क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स के अंदर मिलता है डबल सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन सभी के अंदर होते हैं किडनीज, सभी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होती हैं। लेकिन ये कुछ एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग लेके आए हैं। ये देख सकते हैं आपके आपकी किस किस के अंदर कौन कौन सा एक्सक्रीटरी मैटर होता है। कॉन्ट्रैक्टील्स आर मोस्टली यूरियोटेलिक, ऑस्ट्रिक्टील्स आर मोस्टली अमोनोटेलिक। जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं लार्वा इनके, वो होते हैं अमोनोटेलिक। देन रेप्टाइल्स और एव्स ये होते हैं यूरिकोटेलिक, और मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक। ये एनसीईआरटी में दिया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में वहां से लेके आए हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का भी रेफरेंस जो है हम लोग लेके आए हैं एनिमल किंगडम के अंदर, कहाँ से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टील्स के अंदर कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है और बोनी स्केलेटन देखने को मिलता है ऑस्ट्रिक्टील्स के अंदर। ये तो एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है एनिमल किंगडम के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर रिब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। रेप्टाइल्स के अंदर बोनी स्केलेटन होता है। एव्स के अंदर लॉन्ग बोन्स आर हॉलो और इन्हें कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स। मैमल्स के अंदर होता है बोनी स्केलेटन। अब स्कल किसी किसी के अंदर देखा जाता है डाइकोंडाइलिक, किसी किसी के अंदर मोनोकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक स्कल आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स के अंदर, बाकी सबके अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलता है। लिम्स और फिन्स, लिम्स और फिन्स ये क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। अब कॉन्ट्रैक्टील्स के अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब के अंदर होते हैं लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स विदाउट नेल्स एंड क्लॉज, 4 लिम्स विद 4 डिजिट्स एंड हिnd लिम्स विद 5 डिजिट्स एम्फीबियंस के अंदर। वहीं पर रेप्टाइल्स के अंदर 2 पेयर रेप्टाइल्स के अंदर विथ इनकर्व्ड नेल्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स विथ 5 डिजिट्स। स्नेक्स जो होते हैं वो होते हैं लिम्बलेस। एव्स के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, 4 लिम्स विथ मॉडिफाइड विंग्स एंड हाइंड लिम्स विथ स्केल्स। मैमल्स के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखें पाइसिस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एव्स के अंदर, मैमल्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। ओवीपेरस हैं या विवीपेरस एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले हैं या डायरेक्ट बच्चे देते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। आइए देखें मोस्ट ऑफ दी ऑस्ट्रिक्टीज ये जो होते हैं ये हैं ओवीपेरस। वहीं पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स ये हैं ओवीपेरस, जबकि मैनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टील्स आर विवीपेरस और मैमल्स जो हैं वो विवीपेरस हैं। लेकिन मैमल्स के अंदर कुछ एनिमल्स जैसे ऑर्निथोरिंकस ये होते हैं ओवीपेरस, डक बिल्ड प्लेटिपस। नाउ होम्योथर्मल हैं या पोइकिलोथर्मल हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये तीनों होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जबकि एव्स और मैमल्स ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्मल। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखें यहां पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टील्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एव्स के अंदर, मैमल्स के अंदर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ऑस्ट्रिक्टीज और एम्फीबियंस के अंदर यूजुअली देखा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि माउथ की क्या पोजीशन होती है और क्या क्या फीचर्स हैं, बड़ा स्पेशलिटी है ये देखें। माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड इन कॉन्ट्रैक्टील्स और टर्मिनल होता है ऑस्ट्रिक्टील्स के अंदर, बाकी सब के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन पर कोई ऐसी पोजीशन याद नहीं रखनी है। देन कॉन्ट्रैक्टील्स के अंदर एनस प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रिक्टीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोएका, मैमल्स के अंदर एनस होता है लेकिन क्लोएका कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल सीन इन केस ऑफ ऑर्निथोरिंकस, डकबिल्ड प्लेटिपस। ये कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में याद रखने हैं। आइए अब करते हैं हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फाइलम कॉर्डेड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, लेटरल paired gill slits during development, notochord at some stage of development and external skeleton. Correct answer है an external skeleton. Animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of structure noted as A, B, C, D. Identify करना है A, B, C, D को। यहाँ पर A क्या है, A है nerve cord, B notochord, C gill slits and D यहाँ पर है posternal part. Which of the following is not a characteristic of class Chondrichthyes? Gill slits are separated and without operculum, predaceous with powerful jaws, notochord is persistent थ्रू आउट द लाइफ एयर ब्लैडर प्रेजेंट। करेक्ट आंसर है इसका एयर ब्लैडर प्रेजेंट। कॉन्डिक्टीज के अंदर एयर ब्लैडर नहीं मिलता जो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉर दी फॉलोइंग एनिमल, और ये है एम्फीबिया का एनिमल, क्लोएका प्रेजेंट होता है। यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेक्ट है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक सही है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, ये गलत है, हार्ट में यहाँ पर मिलते हैं 3 चैम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला। हाइला इसे कहा जाता है ट्री फ्रॉग। एग्जाम्पल्स याद रखें आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के करने हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन, ये है इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, और ये है इक्थियोफिस। सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा सही है, करेक्ट आंसर इसका है हाइला। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टाइल्स? दे आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्विड्स। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, जी नहीं, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम। चैम्बलियन, ये मैच करेगा टी लिजर्ड से, देन टेस्यूडो, टॉर्टॉइज, कैलोटस, गार्डन लिजर्ड एंड चिलोन, टर्टल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एव्स? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर presence of feathers, most of them can fly except some flightless bird, for example ostrich, they possess beaks, सही है। forelimbs are modified into beaks, ये सही है। skin is dry without glands except the oil glands at the hind limb, ये गलत है, ये होते हैं at the base of tail। next, which of the following statement is incorrect about diagram given below? ये है एक reptile। sexes are separate, fertilization internal, oviparous and development is direct, एनिमल्स आर होम्योथर्मल, जी नहीं, ये पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल? मैक्रोपस मैमल है, टेरोपस मैमल है, मकाका मैमल है, रैटस मैमल है, बंगेरस एंड वाइपर, ये दोनों होते हैं रेप्टाइल्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायग्राम गिवन बिलो? ये मैमल है, स्किन कंटेन हेयर, पिन्ना एब्सेंट, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये इसका आंसर है पिन्ना एब्सेंट। अब स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया एनिमल किंगडम एनसीईआरटी का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप लोग होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे आगे।